हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। इस मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। सभी को नमस्कार। सितंबर 14 आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हिंदी दिवस मनाया जाता है। आदित्य, क्या आप बता सकते हो इस शुभ दिन का महत्व? पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेताओं, अभिनेताओं और साहित्यकारों ने सारे देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। संविधान में विभिन्न नियम कानून बनाने के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाओं और हजारों बोलियां हैं। काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन को महत्व देते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और आज सेंट एंटनीज पब्लिक स्कूल के कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्र प्रस्तुत कर रहा है गुलिस्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तितली रानी इतनी सुंदर पंख से लाई हो, क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आए हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी अच्छे लगते हैं, हे हे हे। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ ले जाते हैं? Thank you.
तितली रानी तितली रानी इतनी सुंदर पंख कहां से लाई हो। Oh,
मेरा नाम अभिगेल सूसन रॉबिन है। मैं कक्षा 9 जी की छात्रा हूँ। आज मैं तेनाली रामन की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक रात की बात है, गर्मी का मौसम था। तेनाली रामन और उनकी पत्नी नींद में थे। रात के सन्नाटे में तेनाली रामन की आंख पत्तियों के आवाज से खुल जाती है। बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तेनाली रामन को समझ आ गया कि पत्तियों की आवाज झाड़ियों में छुपे चोरों की हो सकती है और वह उनके घर चोरी करने आए हैं। तेनाली रामन ने अपनी चतुरता से एक उपाय निकाला और अपने पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि कुछ चोर हमारे पड़ोस में घूम रहे हैं, इसलिए हमें अपनी सारी कीमती चीजें और पैसे कुएं में छुपा देना चाहिए। कुछ ही देर बाद तेनाली रामन और उनके पत्नी घर से निकले और एक बक्से को कुएं में फेंक दिया। वे घर के अंदर गए और सोने का नाटक करने लगे। चोरों ने उन दोनों का वापस जाने के बाद कुएं से पानी निकालने लगे। चोरों ने सोचा कि कुएं के पानी निकालने से वह कीमती चीजों का बक्सा आसानी से निकाल लेंगे। वह रात भर कुएं से पानी निकालते रहे। सुबह होते होते वह किसी तरह बक्से को बाहर निकालने में सफल हो गए। पर जब उन्होंने बक्सा खोला, उनकी आंख चौंधिया गई। कीमती चीजों की जगह पत्थरों का ढेर देखकर वह निराश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि तेनाली रामन ने उनको बुद्धू बना दिया है। कुछ ही देर बाद तेनाली राम उनके घर से निकले और उनसे कहा, प्यारे मित्रों, मेरे पौधों को पानी देने के लिए धन्यवाद। मुझे आपकी मेहनत के लिए क्या इनाम देना चाहिए? यह सुनकर चोरों ने तेनाली रामन के चरणों पर गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने वचन दिया कि वह दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। उनकी पश्चाताप देखकर तेनाली रामन ने उनको जाने दिया। इससे हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी समस्या में हमें शांत रहकर और बुद्धि का उपयोग करते हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। बदली रंग यहाँ की बोली।
मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस का महत्व इस विषय पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी। जिन जिन की जो मिलती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाती है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी भाषा को समझते और बोलते हैं। हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है, पर आजकल हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। हमें हिंदी भाषा सीखने को उतना ही मदद चाहिए जितना हम अंग्रेजी भाषा सीखने को देते हैं। हिंदी भाषा भारत देश की पहचान है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक हमारे पास राष्ट्रभाषा नहीं, हमारा कोई राष्ट्र भी नहीं। धन्यवाद। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मेरा तो मैं जागूं ना सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल है चनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना जाना जान से प्यारा है।
कैसे हो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा हूँ। मैं ठीक हूँ गौरीनाथ, बस कोरोना वायरस से बचने के लिए घर से कम ही निकलता हूँ। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों, परंतु यह तो एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए उसे बचने के लिए मैं सभी सुरक्षा उपायों का अपनाता हूँ। अच्छा, फिर तो तुम हमें भी बताओ सभी उपायों के बारे में। हाँ अवश्य, कोरोना से बचने के लिए हमें हाथ को बार बार धोना चाहिए। हाँ, और घर से बाहर होने पर हम सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। और हम जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क अवश्य लगाए। हम तो लोगों से उचित दूर भी बनकर रहनी चाहिए। ठीक कहा अल्फोंस, जब हम इन सभी उपायों को अपनाएंगे तभी कोरोना के संक्रमण से खुद भी बचे रहेंगे और हमारा परिवार भी। 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी। बिल्कुल सही कहा मित्र। हाँ, और तुम्हारी बीमारी कैसा है अल्फोंस, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गौरी, पिछले दिन मैं कोविड नेगेटिव हो गया था। ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरा ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, एक ऑनलाइन परीक्षा है इसीलिए जा रहा हूँ। ठीक है, अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय। अलविदा।
एंड्रोना जोसेफ है। आज मैं भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में कहना चाहता हूँ। केरल का ओणम। ओणम भारतीय राज्य केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। ओणम महोत्सव चिंगम के मलयाली महीने के दौरान पड़ते हैं और महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। तमिलनाडु का पोंगल। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रति वर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गोवा का क्रिसमस। क्रिसमस गोवा में काफी उत्साह के साथ मनाए जाने वाले सबसे प्रख्यात त्योहारों में से एक है। लोग उपहारों का आदान प्रदान करके और प्रार्थनाएं देकर त्योहार शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, जिसे दुर्गोत्सव या श्रद्धोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू होने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है, जो हिंदू देवी दुर्गा का श्रद्धा और श्रद्धांजलि देता है। पंजाब की लोहड़ी। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। और इससे मेरी प्रस्तुति खत्म हुई। धन्यवाद। ये गंगा, गंगा की बात क्या करूं, गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, वह जूझ रही खुद से और बैठा वास है। बांधों के जाल में कहीं नहरों के जाल में, सिर पीट पीट रो रही शहरों के जाल में। नाले सता रहे हैं, पन्नाले सता रहे, खा खा के पानी ढुकने वाले सता रहे। बीठे की तरह बाप रहे, बीठे की तरह बाप रे, कोठे का ढेर है, यह भी कोई रोकी ऊपर का फेर है। असहाय है, असहाय है, लाचार है, मजबूर है गंगा, आप हैसियत से अपने बहुत दूर है गंगा। आई थी बड़े शौक से शंकर को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर, ये अपने घर को छोड़कर। खोई थी अपने आम में वो कैसे खड़ी थी, खोई थी अपने आम में वो कैसे खड़ी थी, सुनते ही भागीरथ की ठेर दौड़ पड़ी थी। मुक्ति का द्वार भी हमेशा इससे खुला है। काशी गवाही की यहाँ सत्य तुला है। केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा, धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा। गंगा के पास दर्द है, आवास नहीं है, मुख खोलने का खुल में रिवास नहीं है। गंगा के पास दर्द है, आवास नहीं है, मुख खोलने का खुल में रिवास नहीं है।
गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, वह जूझ रही खुद से और बैठ आवास है। बांधों की जान मैं कही बांधो। नानी नानी सुनो कहानी, एक राजा एक रानी। नानी नानी सुनो कहानी, एक राजा एक रानी। राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पालक पर। राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पालक पर। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच गई रानी। बादल गरजा बरसा पानी, भीगा राजा बच गई रानी। धन्यवाद। होता है और आखिरी ऋतु है शिशिर ऋतु। इस ऋतु
बहुत सारे बत्तियां पेड़ से गिरती है और ये ऋतु होता है जनवरी से मार्च तक। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भारत की छह ऋतुओं के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैम आप सबको हिंदी भाषा के कुछ साहित्यकारों का परिचय करवाना चाहती हूँ, तो आए देखिए। ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। वे कवि, शैलीकार, कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया था। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे चायवाद युग के प्रमुख चार कवियों में एक है। वे कवि के नाम से मशहूर है। कविता के अलावा उपन्यास, निबंध और आलोचना भी लिखे हैं। प्रकृति का मान विकार उनकी रचनाएं में देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, ये है प्रेमचंद जी। इनको हिंदी का कथा सम्राट कहा जाता है। ये एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता, कथा शुद्धि संपादक थे। मानसरोवर प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता जी। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे गढ़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ये है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रतिभावान लेखिकाओं में से एक थी। वे आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यामा नामक काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री है। चंची की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही है।
सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात, आप कैसे हैं बच्चों? ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुहावरे पर वाक्य प्रस्तुत करने के लिए मैं फिल्सा और रिया को स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्कार, आज मैं हूँ फिल्सा नीबू और मेरी दोस्त रिया मुहावरे पर कुछ वाक्य प्रस्तुत करना चाहती है। हमारे वीडियो पर जाने से पहले हम सभी को हिंदी दिवस की एक बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक, अगर मगर करना, बहाने बनाना। इस मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ है टू मेक एक्सक्यूजेस। इस मुहावरे से वाक्य है, कक्षा में अध्यापक द्वारा गृहकारी मांगने पर रोज अगर मगर करने लगी। दो, एक और एक ग्यारह होना संगठन में ही शक्ति है। इस मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ है यूनिट इज स्ट्रेंथ। इस मुहावरे से वाक्य है, बूढ़े पिता ने अपने बेटों को समझाया कि एक और एक ग्यारह होता इसलिए तुम मिलकर रहा करो। तीन, कलेजा ठंडा होना मन की शांति पाना। इस मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ है टू बी हैप्पी। इस मुहावरे से वाक्य है, संघर्ष के बाद पुत्र की सफलता से माम का कलेजा ठंडा हो गया। चार, कलेजा चलनी होना बहुत दुखी होना। इस मुहावरे का अंग्रेजी अर्थ है टू फील सैड। इस मुहावरे से वाक्य है, पुत्र को घायल देख माम का कलेजा चलनी हो गया। मुझे आशा है कि आप सभी को एक प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद। यह बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारा अगला कार्यक्रम है कि नारा लेगन, इसके लिए मैं दिया को बुलाना चाहती हूँ। ठीक है मैम, यह मेरा नारा लेगन मैम। तुम्हारी यह प्रस्तुति बढ़िया दी, जारी रखो। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। साथ कार्यक्रम का समापन हो गया। घटना शानदार थी, है ना वर्षा? बिल्कुल, हम इस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए स्कूल के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रदर्शन करने वाली, अपना प्यार और समर्पण दिखाने वाली सभी छात्राओं को विशेष धन्यवाद। प्रधानाचार्य, माता पिता, दर्शकों और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों के लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते। हम आशा करते हैं कि आप सबको मजा आया होगा। इस तरह के और मनोरंजन कार्यक्रम से साथ फिर मिलेंगे। तब तक मैं वर्षा और गणेश, अलविदा। जय हिंद। जय हिंद।